हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम छात्र और शिक्षक के बीच संवाद अध्ययन करेंगे। दीपक, तुम्हारा गृह कार्य कहाँ है? सर, मैं अपना गृह कार्य नहीं कर पाया हूँ, माफ कर दीजिए सर। क्यों नहीं किया, वजह बताओ। सर, कल मेरे घर पर एक कार्यक्रम था और मुझे कुछ समझ में भी नहीं आया, जिसके कारण मैं अपना गृह कार्य नहीं कर पाया। समझ में नहीं आया तो मुझे पूछना चाहिए था। और घर पर कार्यक्रम था का क्या मतलब? इसका मतलब तुम्हारे लिए पढ़ाई से ज्यादा और काम अधिक जरूरी है। सर, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैंने अपना गृह कार्य नहीं किया, परंतु आज के बाद आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा सर। और दीपक, तुम एक बार कोशिश तो करते, सारे विद्यार्थियों ने अपना गृह कार्य पूरा किया है तो तुम्हें यह सब समझने में असमर्थता क्यों? और मुझे भी तो पूछ सकते थे ना। मैंने कोशिश की थी सर, पर मैं फिर भी यह काम पूरा करने में असमर्थ रहा। आगे से तुम्हारा दिया हुआ कार्य पूरा होना चाहिए और जो कुछ भी समझ नहीं आया, खाली समय में मेरे पास आकर मुझसे समझ लेना। धन्यवाद सर, आगे से मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि कभी भी मेरा काम अधूरा ना रहे और मैं मेरे शिक्षा के क्षेत्र में आगे से निपुण रहूंगा। ठीक है दीपक, मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। और मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं, कल अपना गृह कार्य पूरा करके आना। जी सर, धन्यवाद सर। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।